Shri Paramatmane Namaha. Atha Dashamodhyayah. Shri Bhagavan Uvacha. Bhuya Eva Mahabaho. Shudume Paramam Vachaha. Yatte Hum Priyamadaya. Vakshyami Hita Kamyaya. Name Vidu Suraganaha. Prabhavam Namaharshayaha. Aham Adirhi Devanam. Maharshinam Cha Sarvashah. Maharshinam Cha Sarvashah. Saptame Adhyayi Bhagavatah Tattvam Vibhutayah Cha Prakashita Navame Cha Atha Idanim Yeshu Keshu Bhaveshu Chintyo Bhagavantete Bhava Vaktavya Tattvam Cha Bhagavato Vaktavyam Uktam Api Druvigyayatvat Iti Atah Bhuya Eva Bhuya Punaha He Mahabaho Shudme Madiyam Paramam Prakashtam Niratishaya Vastunaha Prakashakam Vacho Vakyam Yat Paramam Te Tubhyam Priyamanaya Madvachanat Priyasesvam Ativa Amratam Iva Piban Tado Vakshami Hit Kamya Hit Echaya Kimartham Aham Vakshami Iti Aha. So, दसवें अध्याय में भगवान का जो संबोधन है वो एकदम ही आज तक जो संबोधन दिया है उस संबोधनों से सबसे अलग संबोधन है और यह जो संबोधन भगवान ने दिया है इसका कुछ विशेष कारण है अभी तक जो संबोधन थे उसका कुछ और कारण था और आप इसको संक्षेप में कह सकते हैं यही साधक की आंतरिक विकास का रूप है कि अब उसका नाम भी क्या हो गया बदल गया यहां से गीता पहले प्रारंभ की थी मैंने कि जो गीता के शुरुआत के 6 अध्याय हैं वह तुम पद की व्याख्या है यानी आपको याद है कि नहीं जो 1 से 6 अध्याय है वो तुम पद की व्याख्या है जो 7वें अध्याय से लेकर 12वां अध्याय है वो किसकी वो तद पद की व्याख्या है हो गया 1 से 7 तक या 6 तक क्या कह लें तुम मतलब तो मतलब तुम जो अहम है वो दूसरे के लिए क्या है तुम है तो जो अपना विवेचन आया है स्वयं के बारे में वो कितने अध्याय तक है 1 से 6 तक 7वें अध्याय से वही जो तत्पद है जो तुम पद है वही तत् भी है यह जानना बड़ा अनिवार्य है कि जो वह है वह मैं हूं जो मैं हूं वह वो है दोनों के ही ज्ञान को ही तब कहते हैं कि इस व्यक्ति का ज्ञान क्या हो गया पुष्ट हो गया
जब तक मुझ में और उसमें अंतर बना हुआ है तब तक ज्ञान पुष्ट नहीं हुआ। मतलब तकनीकी की भाषा में कहा जाए तत् और त्वम पदों का पूरा ज्ञान साधक को होना चाहिए, ना तो सिर्फ त्वम ना तो सिर्फ तत्। एक से छह अध्याय तक त्वम पद की व्याख्या है, सात से बारह अध्याय तक हाँ तत्पद की व्याख्या है। तो यह जो प्रारंभ हुआ एक कहाँ से चालू हुआ, सातवें अध्याय से। देखो तत् मतलब वह ईश्वर, वह ईश्वर। तो छह अध्याय तक ईश्वर की बात नहीं की गई, ध्यान रखना, वहाँ आत्म चैतन्य और इन सब की बात की गई। सातवें अध्याय से भक्ति का जो चैप्टर है, इसीलिए देखना जो बारहवां अध्याय अंत होता है वो किससे होता है, भक्ति से। अब बचे कौन से, तेरह चौदह और पंद्रह, ये किसकी व्याख्या है, बोले ये जगत की व्याख्या है। कितने अध्याय हो गए, पंद्रह। पहले छह अध्याय त्वम पद की व्याख्या है, दूसरे छह अध्याय तद्पद की व्याख्या है, तीन अध्याय जगत के बारे में है, और जो और तीन बचे उसको बोलते हैं परिशिष्ट। परिशिष्ट का अर्थ है जो मूल विषय में जो गौण बातें छूट गईं, उन छूटी हुई बातों का उल्लेख किया गया, किसमें, सोलह में, सत्रह में और अठारह में। इस तरीके से पूरी गीता है। तो अब जो आपने प्रारंभ किया था तद्पद की व्याख्या के लिए, वो कौन सा था, सातवां अध्याय था। देखो जी, जरा सातवां अध्याय का विषय वस्तु जरा जोड़िए क्या है दसवें अध्याय से। मैया सक्त मनाह पार्थ, अर्जुन जिसका मन मुझ में आसक्त है, ध्यान रखना अर्जुन का नहीं, सीधा सा एक वाक्य है, मई आसक्त मनाह, जिसका मन मुझ में आसक्त है अर्जुन, मैं उसके लिए यह योग कहने जा रहा हूं। कैसा, असंशयम समग्रम माम, तुम मुझे जैसा मैं हूं मैं वैसा बताने जा रहा हूं, वैसा तुम क्या कर लो, सुनो। ये कौन सा अध्याय था, सातवां अध्याय। ध्यान रखना इसका संबोधन, ध्यान रखिएगा, जो ऐसा है, कैसा है, जिसका मन मुझ में क्या हो गया, आसक्त हो गया। आसक्त हो गया मतलब सुनने के लिए अब वो तत्पर हो गया सुनने के। इंग्लिश में इसी को स्वामी जी बोलते हैं कीन टू लिसन। सुनने के लिए वह इच्छुक है, यह इच्छुक तभी हो सकता है जब आसक्ति पद घटे। देखो जी, बिना आसक्ति के व्यक्ति उसके बारे में सुनना पसंद नहीं करता। देखो जी, तो ये पहला अध्याय, सातवां अध्याय। और आप पूरा जब सातवां अध्याय पढ़ें तो आखिरी में एक वाक्य बोला भगवान ने, जाते जाते एक चीज छू दी भगवान ने, वो ये था, जो मुझे जानता है वो मुझे अधिदैव अधिभूत, मिल गया आपको, ये आखिरी श्लोक, तीसवां श्लोक। लिंक देखना कि सातवें से दसवें तक कैसे गया, ये अधिदैव को जानता है, अधिभूत को जानता है, अधियज्ञ को जानता है, और मरणोपरांत क्या गति है वह मुझको प्राप्त होता है। इस अध्याय से समापन हो गया किसका, सातवें अध्याय का। और आठवां अध्याय प्रारंभ किससे हुआ, इसी सातवें अध्याय के आखिरी श्लोक से, मिल गया आपको,
जो सातवें अध्याय का आखिरी श्लोक है वही आठवें अध्याय का पहला श्लोक है। तो आप देखो तो एक पूरी तारतम्य दिखता है, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। और आठवें अध्याय में जाते जाते भगवान ने जो शब्द बोला, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए अर्जुन अच्छी बात ये कि उस योग से तुम जुड़ जाओ। ये 27वां श्लोक, ये पूरा आपके दिमाग में जागृत होना चाहिए, ध्यान रखना। छठे सातवें अठाए नौवें से कैसे जुड़ गया, और ये एक बार दिमाग में आ गया तो आपको याद रहेगा, और रटंती तोता किया तो ये नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। सातवें अध्याय से कहाँ से चालू हुआ, सातवां अध्याय कहाँ खत्म हुआ, आठवां क्या प्रारंभ हो गया, और आठवें का जो आखिरी श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तः, ये शब्द है। इसलिए अर्जुन जितना जीवन है, जितना क्षण है, तुम कितना हो जाओ, योग से युक्त हो जाओ। और नौवां अध्याय यहीं से प्रारंभ हुआ, और इस सबसे अच्छा श्लोक ये जो पहला था, इदं तुते गुह्यतमम्, मैं वह योग तुमको कहने जा रहा हूं जो कैसा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। अब प्रश्न है क्यों कहने जा रहे हो, क्यों कहने जा रहे हो, हाँ एक एक करके, हाँ ये जी आता, और अब ये स्थिति है नौवें अध्याय की, सोचो आप, तो पूरी गीता खत्म हो जाएगी। और पता नहीं आपको याद हो कि नहीं, इस विषय पे ही मेरे, मुझे जितना आ रहा है कि 3 से 5 दिन लिया है मैंने इस विषय पे। यह अध्याय कहने का कारण क्या है? गुड, वो ये है, इस पे ही आपको पता नहीं याद है कि असूया कैसे हुआ। ये 5 मैंने 3 दिन में आपको दिखाया था कि अर्जुन के बुद्धि में यह गुण आ गया कि वह अब दोष राहित्य हो गया। अरे मोक्ष से शुरुआत तो पहले ही सुना चुके हैं, दूसरे अध्याय से। जो श्रोता है, जो शिष्य है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति को देखकर वह जो गुरु है वह बातें भी बोलना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है, हालांकि शिष्य ने वह बातें बोली नहीं थी। इसलिए यह संबोधन इतना अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अब 6-7 दिन भी मनन किया जाए तो इस पे कम है। और ये शब्द क्या था, अनुसूयवे, नहीं है तो आप 2-4 दिन उस सीडी को सुनिए। अनुसूयवे का मैंने व्यावहारिक अर्थ भी कोशिश की होगी कि जीवन में दोष दृष्टि हटाई जाए, वस्तु बुरा ना होकर वस्तु को देखने की जो मेरा नजरिया है वो बुरा है। वस्तु तो कभी, व्यक्ति कभी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो वह वस्तु या व्यक्ति है उसको भी चलाने वाला कौन है, ईश्वर, तो कहां से बुरा हो गया। और वो दूसरी नजर से देखें तो आपने आरोप किस पे लगा दिया, ईश्वर पे, कि वो बुरा है, उसका भी मालिक तो वही है ना। फिर तो भैया जरा रिवीजन करो आप पीछे, तो ये लिंक समझ में आएगा, वरना तो ये खत्म हो जाएगी गीता। अच्छा, अब इसी नौवें अध्याय का जो समापन किया वो ये आखिरी के 33 और 34 श्लोक, देखो जी
तैतीसवां और चौतीसवां श्लोक क्या कहता है, जीवन की यह दो अनुभूतियां सामने आनी चाहिए तभी आपने जीवन जिया। दो जीवन की सच्चाई है, वो क्या है, अनित्यम असुखम। जीवन की जीने के बाद यह दो अनुभूतियां सामने आ जानी चाहिए, कौन सी, अनित्यम और असुखम। और इसी श्लोक में भगवान ने बताया कि साधना क्या होनी चाहिए। देखो जी, और साधना क्या बताई गई है, भजस्व माम। साधना क्या बताई गई है, भजस्व माम। इन दोनों वृत्तियों को, दोनों सच्चाइयों को जानकर एक व्यक्ति के स्वभाव में ये हो सकता है कि कटुता आ जाए, में पॉसिबल है, ध्यान रखना। कई बार व्यक्ति सच्चाई को जानकर और कटु हो गया, दूसरे व्यक्ति की सच्चाई को जानकर मेरा हृदय कलुषित हो गया। इसका मतलब आपको आध्यात्मिकता का क और ख भी नहीं पता। सच्चाई को जानकर पहचाने का ढंग क्या है, ये भजस्व है। जीवन में जितनी आध्यात्मिकता होगी व्यक्ति उतना वास्तविकता के करीब पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद उसका दिल खट्टा नहीं होएगा, ध्यान रखना। शिव जी ने क्या किया, वास्तविकता को, सच्चाई को जानकर पी लिया, और पीने के बाद हृदय में के अंदर भी आने नहीं दिया। कहां तक रहा हमारे में, बात कहां तक चली गई, बात गड़बड़ है, यह सही है, लेकिन वो गले तक ही रहे तो ठीक है, लेकिन वो बात कहां आ गई, हृदय में वो बात आ गई तो आपका व्यक्तित्व तो क्या हो गया, दूषित हो गया। इसका बोलते हैं आपने विष को पचाया नहीं, और उस विष से स्वयं को क्या कर दिया, मार दिया। और विष सभी को झेलना है, याद रखना, बस विष को पीने का तरीका क्या है। और सबसे अच्छी सच्चाई है भजस्व माम, मेरा भजन होना चाहिए। ये जो मेरे दिमाग में प्रश्न था वो रख रहा हूं। व्यक्ति ये उपदेश दिया जाता है कि मेरा भजन कहना चाहिए, तो आपके मन में आया क्या, हालांकि प्रश्न पूछना मूर्खता है, पता नहीं मनन आपने ऐसा किया, भजस्व माम मतलब कह तो दिया गया कि आप अनित्य और असुख की सच्चाई को जानकर मेरा भजन कीजिए। और यहाँ पे फिर आखिरी श्लोक कंक्लूड किया था जो कल बात हुई, पूरा नौवां अध्याय इसी श्लोक में है, किसमें, मनमना मदभक्ता मद्याजी नमस्कुर, ये चार शब्द पे चर्चा हो चुकी, यही भक्ति का स्वरूप था। लेकिन भजन का स्वरूप क्या होना चाहिए, यदि आप जीवन में इसको जीने की कोशिश करें तो कैसे जिएंगे। हाँ, और कुछ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सब में ईश्वर तो। सामान्यतः साधक को बोला जाए कि आध्यात्मिक बनो और भजन करो तो उसके दिमाग में पहला विचार क्या आता है पता है, हाँ, कुछ ना भैया, ये सब तो जब बहुत ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक हुआ और इस बात को उसको बताया गया कि आप आध्यात्मिक बनिए, भजन कीजिए, साधना कीजिए, और साधना कहते ही उसके मन में आया कि जो मैं कर रहा हूं वो सबको क्या करूं, छोड़ दूं। बहुत ध्यान से इस बात को समझना,
अध्यात्म का अर्थ हमने कहीं दिमाग में क्या बना रखा है कि कोई चीज छोड़ने से मुझे अध्यात्म की प्राप्ति होगी। अब सबके छोड़ने का स्वरूप अलग अलग है। कोई व्यक्ति को छोड़ना चाहता है, कोई स्थान को छोड़ना चाहता है, कोई दुर्गुणों को छोड़ना चाहता है, कोई क्रिया को छोड़ना चाहता है। सब व्यक्ति यही कहता है ये छोड़ दो तो आध्यात्मिक प्रवेश हो गया। और इससे बड़ी मूर्खता की बात नहीं हो सकती कि छोड़कर अध्यात्म में प्रवेश किया जाए। यह वृत्ति ही क्यों आई कि छोड़कर अध्यात्म में प्रवेश किया जाए। और थोड़ा मतलब समझा साधक ना हो तो सबसे पहला काम यही करता है कि वो जो कुछ कर रहा है उस सब को क्या कर दिया उसने, और उसके दिमाग में क्या है कि कहीं एक ऐसी जगह चलूं जहां मुझे क्या मिले। अब स्वामी जी ने तो इस पे ये विनोद किया कि चले गए आश्रम बाबा जी, किस लिए? भजस्वमाम। साधना कौन सी? भजस्वमाम। और भजन के नाम पर भोजन की आवश्यकता तो है ही है। और किसी को बोल दिया कि भैया तुम मेरी भिक्षा ले आना, और मैं अब क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, आप कमरे में भजन करता हूं, साधना करता हूं। खुदा ना खास्ता वो व्यक्ति ना आया तो वृत्ति कौन सी बन रही है? जरा सोच के देखना। इससे अच्छा तो घर में थे आप, उठा के खा लेते थे। ये दूर के ढोल सुहावने, आप ध्यान रखना। मतलब जब हम इंतजार करेंगे तो एक घंटे पहले से इंतजार करेंगे कि वो व्यक्ति सही समय पे आया कि नहीं आया, और आया तो क्या लेके आया, लो जी हो गया भजन करो आप बढ़िया से। कहां चले गए? ये मूर्खता है। जहां जाएगा व्यक्ति, सोचो तो ये 6 फुटा 7 फुटा शरीर लेके जाएगा। आप बताओ इसकी आदत, इसका स्वभाव और इसका संस्कार भी तो लेके गया, तो क्या करोगे भजन? हमको लगता है व्यक्ति को हटा दो, स्थान को हटा दो, मतलब बहुत सारी चीजों को पूजा पाठ बंद कर दो और अब मैं क्या बन गया। आप सोचो कि वहां जाकर मैं करूंगा क्या। एक दिमाग तो यही है, व्यक्ति बदल गए तो समस्या क्या आई? पहले भी वही समस्या थी, नए व्यक्तियों के साथ में भी वही समस्या है। ये जो भजस्वमाम का यह जो अर्थ समझा गया कि भजन मतलब, भजन मतलब ध्यान रखना गाना नहीं, ये साधुओं की जो भाषा है उसको बोलते हैं साधना को भजन, ये याद रखना। जब कोई बोले कि मैं भजन कर रहा हूँ, भजन मतलब साधना कर रहा हूँ। भजन तो आपने सोचिए कि गाने की आवाज़ तो आ ही नहीं रही है, तो भजन कहाँ से कर रहा है? साधना के नाम पर मेरे मन में वृत्ति क्या जगी? या अच्छे से जरा अपने मल को सफाई कर लो, फिर तो आप आगे बढ़ो। जैसे ही आप यह शब्द एक बोलते हैं साधना, साधना कहते ही मेरे मन में चिंगारी क्या जगी? आपको साधना में भेजा जा रहा है, जीवन में साधना करनी है, मतलब क्या? तो व्यक्ति पहले ही उसके लिए बनाता है मेरा अलग कमरा, मेरी अलग चीज, सब अलग 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 करके, और आप क्या बोलता है, ये कभी नहीं हो सकता। मैं आपसे बताऊं, ये मेरा अनुभूत सिद्धांत आपको बता रहा हूं। और जितने अच्छे महात्मा हुए होंगे जिन्होंने अभ्यास किया, उस सबका सिद्धांत ये है। कई बार व्यक्ति की मानसिक पर क्या बोले, पागलपन बढ़ जाता है, पागलपन सही में। और आप स्वामी जी से और सुनिएगा, सुबोधान जी से, लोगों से,
ये बुखार उनको भी जगा और सब कुछ छोड़कर उत्तर काशी में मांडुक्य पढ़ने के बाद उनको लगा कि सिर्फ ध्यान ही एक चीज है जीवन में, इसके अलावा कुछ है नहीं। और 3 महीने में जो जो याद आई और जो थपेड़े पड़े उससे समझ में आ गया कि वास्तविकता क्या है और पढ़ना क्या होता है। ये सुनना आप उनसे कभी, क्योंकि मैंने साधना को समझा ही नहीं। साधना कभी एक पक्षीय नहीं होती, हमने साधना को एक पक्षीय बना, एक पक्षीय मतलब एक ही चीज उसका समझ में आता है कि मैं शांत से बैठूं और मैं मन लगाऊं और मेरा ध्यान लग जाएगा, ये कहने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन जो आपकी आवश्यकताएं, आप 2 शब्द तो किसी से बोलोगे और नहीं बोलते तो कितने दिन? क्या नहीं बोलना साधना है? क्या व्यवहार जगत से दूर भाग जाना साधना है? क्या मैं अपनी गलतियों को न परोसूं, ये एक साधना है? इन बिंदुओं पर जरूर आपको चिंतन करना चाहिए। मैं जो आपको जहां तक मदद कर सकता हूं वो ये है, किसी को छोड़ना साधना नहीं है, किसी को छोड़ना साधना नहीं है, क्योंकि वो आपको सताएगा जरूर। जो चीजें अपने पुरुषार्थ से व्यक्ति ने छोड़ी हैं, वो चीज उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। यदि अपने पुरुषार्थ से आपने छोड़ी, पुरुषार्थ मतलब प्रयास करके, तो आप आगे चलो वही चीज आपका क्या करेगी, इंतजार करे। और जो चीज संघर्ष करने के बाद छूट गई, वो चीज अब आपके पास में कभी आती नहीं। कब तक भागोगे आप? अच्छा सोचो। तो जो साधना है वो एक देशीय नहीं है, वो ध्यान से समझिएगा और प्रश्न पूछिएगा अगर आपके मन में आता। ध्यान जो साधना है वो एक देशीय एक कालीय नहीं है। हमने साधना क्या समझा? एक देशीय और एक कालीय। एक देशीय काली मतलब एक स्पेस में और एक टाइम में जो कुछ होता है वो साधना है। मैं प्रातः काल उठूं और ध्यान करूं वो साधना है। तो दिन भर इसका मतलब आपने साधना को ठीक से नहीं समझा। साधना जिस दिन जब भी प्रातः काल से आंख उठी और जब तक आंख बंद नहीं हुई, ये जितनी चेष्टाएं वो सब क्या हैं? सब साधना है। इस पे नियंत्रण करो, एक देशी साधना मत करो। ये दृष्टांत स्वामी जी का आपने पहले भी सुना होगा। एक अभिमानी व्यक्ति, उसकी हर क्रिया में क्या होगा? कि 2 घंटे अभिमान रहता है। बोलो भाई, एक अभिमानी व्यक्ति 24 घंटे कैसा है पता है आपको? अभिमानी, ध्यान रखना, ना बोले हाँ तो भी अभिमानी है, और बोले क्योंकि अभिमान उसका क्या बन गया है? स्वभाव। बहुत सावधानी से समझना, अभिमानी यदि उसका स्वभाव है, यदि अहम अभिमानी है, तो 24 घंटा की प्रत्येक चेष्टा में उसकी क्या झलकेगा? अभिमान। यदि व्यक्ति लोभी है, लालची है, सुबह से लेकर शाम तक की प्रत्येक क्रियाओं में क्या झलकेगा? लोभ। यही नहीं, कामी है, सुबह से रात तक उसको क्या सताएगा? काम। अब आप नहीं है तो आप जिसमें फॉल होते हैं कैटेगरी में उसको सोचिए,
यदि धन प्रेमी व्यक्ति है, आपसे बताऊं, जहां जाएगा, जो करेगा, जो नहीं करेगा, उसके पीछे क्या होगा? इतना पैसा बचा लिया, इसका मतलब इसके जो इस सराउंडिंग, ये जो खोपड़ा है, इसके चारों ओर कौन सी पट्टी चल रही? धन 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 धन, अभिमान अभिमान अभिमान, झूठ झूठ झूठ, यही चलता है। क्योंकि ध्यान रखना, अहम ये बन गया, क्या चीज? अहम अभिमानी ही, अहम अहम कामी ही, अहम लोभी। अच्छा, रिप्लेस कर दें, अहम साधक, अहम साधक। अब क्या हुआ? एक घंटा, दो घंटा, वो साधक के उठने बैठने जागने की हर क्रियाओं में क्या होगा? और हमने साधना क्या समझी है? खाते समय भोग लगा लिया, मंदिर के सामने हाथ जोड़ लिया, मंदिर में दिया बत्ती कर दी, अब मैं क्या हो गया? अरे भैया, ये ना करो और 12 घंटे अनिष्ट काम करो तो कौन से साधक कहलाए आप? 8 घंटे चरणामृत पीने के बाद आपने 10 मिनट मदिरा पान कर ली तो बहुत अच्छा, भोजन करने के बाद किसी ने आपको 1 चम्मच बालू खिला दी तो फिर से उस चिंतन पे आना स्वामी जी के, विहित कर्मों की बजाय निषिद्ध कर्मों पर रोक लगाई जाए। हम विहित कर्मों की संख्या बढ़ा रहे हैं और निषिद्ध कर्मों पर रोक नहीं लगा रहे। भैया वो तो ठीक है कि इसको आप कंट्रोल, बट ये सोचो कि ये हो क्यों रहा है? साधना के नाम पर आप प्रातःकाल और सायंकाल साधक बन के बैठे तो आप ध्यान रखना, आपका कोई विकास नहीं होना है, क्योंकि आपने दिन भर की चेष्टाएं सब नाश कर दी। जो आपके व्यवहार में था वो आपने सब कुछ वही किया जो एक अज्ञानी करता है। बोले फिर 9वें अध्याय का श्लोक आओ, देखो भगवान ने कितनी बारीकी से ये शब्द बोल दिया और कैसे रिप्लेस करते हैं अपने शब्द साधक को। जैसे माँ होती ना, एक घूट पानी, दो घूट पानी, और धीरे से वो पूरा कौर क्या करती है उसके अंदर, एक बार में नहीं डालती, पहले बोलते हैं ऐसा करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मांगा पहले, पहले यही मांगा ना, ये करो। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद क्या बोला है? देखो जी, बदल दिया ना, पत्रम पुष्पम नहीं, ये नहीं कहा कि ऐसा करोगे तो, ना ना ना, जो भी करो। अब जो भी करो मतलब क्या? सुबह से शाम तक। यत करोशी, पहले पत्रम पुष्पम ही मांग लिया, इतने तक सीमित था, अब बढ़ा दिया, जो भी करो वो सब का सब, आखिरी शब्द क्या है? मद अर्पणम। ये साधना है, सुबह से शाम तक एक एक कर्म, जितने भी कर्म करो मद अर्पणम। अब कर लो आप निषिद्ध कर्म, यदि अर्पण करना है तो, आपकी जवान से झूठ नहीं निकल सकता, आपको बताऊं, क्योंकि जो अंतर्यामी बैठा हुआ है ना, वो टोक देगा आपको, आप गलत हैं। आप कर लो हिंसा, हिंसा कर लो आप। मुश्किल है हिंसा करना, आपसे बताऊं, ये स्थिति बड़ी बहुत विकट है, बड़ी कष्टदायक होती जगत में रहने पे। मैं कल एक अनुभूति युवकों को बता रहा था टहलते समय, एक कीड़ा था, सच की बात बता, बाथरूम में रहते ना कॉकरोच या कोई कीड़ा, या
मैंने उस कीड़े को मान लो क्या किया, परेशान कर रहा था, भगा रहा, भग नहीं रहा था, तो व्यक्ति प्रातःकाल उठे और उसकी कोई बात ना माने तो स्वभाव से वो क्या हो जाएगा, नाराज हो ही गई। अब वो कीड़ा इरिटेट कर रहा है कब से, कीड़े को पकड़ा और किस में डाल दिया, फ्लश में। जब लेकिन अब आपने डाल तो दिया और अब आप ब्रश करने लगे, लेकिन आपको पता है वो समुद्र मंथन उतनी देर में हुआ चित्त में, आपसे बताऊं, क्योंकि वो छटपटा रहा है कीड़ा। अब आपके मन को शांति नहीं मिल सकती यदि इफ यू आर सेंसिटिव। अंतोगत्वा मुझे उस कीड़े को हाथ से क्या करना पड़ा। बात ये थी कि कल ऐसा एक प्रश्न था कि कोई व्यक्ति संपत्ति के लिए, काम के लिए बलात्कार करने के बाद किसी को कैसे मार सकता है जिंदा। वो एक आती थी ना, वो अपने पास डॉक्टर, उनके पति को, उनके लड़के को मार दिया था, तो कल उसका भी हत्यारा मर गया शायद, वो लड़का भी, तो वो प्रश्न था। उसने ये कन्फेस किया कि हाँ मैंने हत्या की है, ठीक है। तो बच्चों का प्रश्न था कि पहले ही फिर उसको केस की सजा क्यों नहीं दे दी गई अभी तक जब कन्फेस किया। ये तो एक अलग मुद्दा था। तो ये था कि कोई आदमी किसी के सर को ईंटे से कैसे कुचल सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। ये मनोचिकित्सा का प्रश्न है, स्वाभाविक प्रश्न है। एक ये स्थिति है और एक ये स्थिति होगी। इसका मतलब वह स्थिति मानव के रूप में नहीं है उसकी स्थिति, उसके अंदर कोई आवेश इतना जबरदस्त है कि ये सब चीजें जो वैल्यूज नाम की चीज हैं वो क्या हो गई, हट गई। कभी आप इन पर विवेचना करना कि कोई व्यक्ति ईंटे से किसी को जिंदा करके कैसे मार सकता है। एक एक, एक, एक चींटी यदि आपके पैर से मर जाए तो फिर लगता है कि कैसे मर गई। एक जिंदा साबुत 6 फुटी 5 फुटी आदमी को आप तड़पा के मारो, समझ में नहीं आता है कैसे संवेदन, कितना मानव ऐसे हो सक, बट है आपके सामने है प्रमाण, तो अभी इसमें कौन सी कहने की बात। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, मदर्पणम से जुड़ना भैया इसको, साधना का ही पक्ष। मैं ये अगरबत्ती दिखाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं ध्यान करूंगा, ये तो ठीक है, लेकिन ये इसका क्या करोगे। यत करोषि, इस शब्द का फिर अर्थ क्या करोगे आप। फिर तो शब्द आपको लगाना पड़ेगा प्रातः काले समये, ठीक है, या मध्यान्ह समये, एकादशी दिवसे, मंगल दिवसे, शनि दिवसे। लेकिन यहां शब्द क्या है, यत करोषि, जो भी मैं करूंगा, करूंगा ही नहीं, जो मैं भोगूंगा। ओहो, देखो ये साधना है, साधना के नाम पर इसने भोगना छोड़ा नहीं है, क्योंकि भोगे बिना व्यक्ति का जीवन चलेगा नहीं। भाई इंद्रियों से वस्तु का आप क्या कर रहे हैं, भोग, अन्न को खाएंगे भोग, भावनाओं को क्या करेंगे, भोग। तो आप इस श्लोक की डेप्थ देखो जरा, क्या कहना चाहता है। जो भी कुछ करूंगा, तो पहली बात, जो भी कुछ करूंगा मतलब आप अनर्थ तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको साधना क्या करनी है, मदर्पण, गलत कर नहीं सकते। अब आप तो आधे नरक के रास्ते से तो व्यक्ति बच गया, क्यों भाई, ये तो कर्म की बात हो गई। और इससे आप सूक्ष्म जाओ, मैं अपने उस वृत्ति को ईश्वर को कैसे अर्पित करूंगा, जिस वृत्ति में काम हो, जिस वृत्ति में क्रोध हो, जिस व्यक्ति में लोभ हो, लालच हो, और उस समय व्यक्ति का चेहरा पढ़ने वाला पढ़ लेता है कि ये लोभी है, ये अहंकारी है। देखो जी, वो तो भगवान ने अच्छा दिया कि ये दिखता नहीं है, लेकिन आप ये कोशिश करो कि मैं अब उस मन को, उस वृत्ति को ईश्वर के सम्मुख
कैसे अर्पित करूंगा, ये समझ में आ जाए, ये बीमारी बालवत फिर रहता है पीछे बालक की तरीके से, फिर उसको कोई असर नहीं पड़ता, बालवत स्वभाव बन जाए। इस दृष्टि से मैं कर्म की बात दो चीज कह रहा हूं, ध्यान रखना, एक तो कर्म, दूसरी वृत्ति। अब व्यक्ति वृत्तियों के प्रति भी क्या हो जाएगा पता है, सतर्क रहेगा, मेरे अंदर वह वृत्ति भी प्रवेश ना करे जिसके कारण मेरे मन में क्या हो, हलचल, तो ना ऐसा काम करे ना ऐसी बात करे जिससे उसके मन में क्या होगा, हलचल। हलचल मतलब आंतरिक वातावरण में खलबली ना मचे, वह जो पवित्र जो स्निग्धता है वो बरकरार है, तब ये श्लोक घटित होगा। कौन सा? यद करोषि, बहुत बड़ा केस को बोलते हैं, खुला चेक है, ब्लैंक चेक, लिखना आपको है कि आपको क्या चाहिए। करोषि मतलब आप जो कुछ करोगे, अशनासी मतलब जो भी भोग करेंगे, जोशि मतलब जो भी वैदिक कर्मकांड करेंगे। देखो कर्मकांड का उद्देश्य भी कुछ और नहीं है, जो भी कुछ करेंगे तत्कुरुष मद अर्पणम, वो सब मुझे अर्पित कर दो। दृष्टांत याद रखिएगा, एक अभिमानी 24 घंटे अभिमानी है, एक लोभी 24 घंटे। स्वभाव यदि लोभ का है आपको बताऊं तो उसका लोभ जा नहीं सकता आपसे, बताऊं कितना होने के बावजूद, क्यों? स्वभाव लोभी। अच्छा मैं यही कह रहा हूं, यदि स्वभाव कैसा है साधक, अब कितनी देर का साधक है ये सोचो, कितने देर का? 24 घंटे का, 24 घंटे का साधक है ये बनना है। देखो जी अब क्यों कर रहा हूं, ये आखिरी जो श्लोक आया था इससे इसको जोड़ना, अनित्यम असुखम लोकम एमं प्राप्य भजस्व। भजस्व मतलब मेरा भजन करो, भजन मतलब छोड़ना नहीं, सजना और संवारना, मन को अच्छे से सजना, मन को संवारने का नाम साधना है, मन को खाली करने का नाम साधना नहीं है। बहुत ध्यान से इन चीज को कर लेना, इतने नैतिक मूल्य मन में लाए जाएं कि उसमें सुगंध हो, उसमें पवित्रता हो, वो साधना पक्ष हुआ। सब हटाने का ही नाम साधना कहां से होगा, फिर रह क्या जाओगे आप? अच्छा फिर से उस विषय पे आना, सातवें अध्याय का संबोधन, जिसका मेरे में मन आसक्त है, ये संबोधन है, मैं यासक्त मना पारता। आठवें में क्या संबोधन दिया, नौवें में क्या संबोधन दिया, मिल रहा है आपको अध्याय? नौवें में क्या संबोधन दिया? हाँ अनसूय मतलब मेरी आपके प्रति प्रमाण बुद्धि जागृत हो गई। अब ध्यान रखना, यदि आप सुने पुराना लेक्चर तो मैंने आपको दिखाया होगा, चौथे में भी संशय किया, पांचवें में भी संशय किया, छठे में प्रश्न करता है, मेरा मन चंचल है, मुझे तो नहीं लगता कि ये वश में आएगा। देखो ये भगवान के वचनों पर क्या है, संशय है, और सीधे ही बोल देता मुझे आपकी बात पर क्या है, संशय है। एक बात बोलो, तद एकम वद निश्चित्य, क्यों? भ्रमती वचे मनः, मेरा मन आपके कारण क्या हो रहा है, यह अर्जुन का रेस्पॉन्स है। एक एक चैप्टर को देखना आप, नौवें अध्याय में आकर भगवान बोलते हैं मैं तुमको उपदेश कर रहा हूं, क्योंकि उपदेश के लायक जो मन होना चाहिए वो मुझे मिल गया, वो क्या हो गया, प्रमाण बुद्धि। अच्छा शब्द क्या यूज है, अर्जुन के मन में ईश्वर के प्रति कौन सी बुद्धि जागृत हो गई, प्रमाण बुद्धि।
तब जाके उपदेश मन में लगता है। तो नौवें अध्याय का संबोधन क्या है? अनुसूयवे। लेकिन दसवें अध्याय का जरा देखिए, भूय एव महाबाहो श्रुण में, हे अर्जुन मेरे वचनों को सुनो। क्यों सुनो? अभी तक तो आपने इतना सुनाया, अब क्या रह गया? क्या बोलते हैं? यत्ते हम, क्योंकि, देखो जी, क्योंकि तुम अब रसिक बन गए। देखो जी, बहुत बड़ा अंतर है संबोधन में दसवें अध्याय के अर्जुन में। यत्ते हम प्रियमाणाय, यही शब्द में लाना चाहता था। कौन सा प्रियमा? तुम अब प्रवचन को सुनते ही नहीं हो, अब प्रवचन को तुम पी रहे हो। देखो जी, ये पीना है, पीना मतलब अब तुम रसिक हो गए हो, स्वाद आने लगा है। मैं किसी दोष के कारण तुमको नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि तुम रसिक हो और रसिक को सुनाने में तो क्या इतराज है, जितना सुनाया जाए उसको उतना कम। तो देखो भगवान का संबोधन क्या है, यत्ते हम प्रियमाणाय, मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि तुम रसिक आदमी हो, अब तुमको रस लग गया। ये प्रियमाणाय संबोधन नौवें अध्याय तक आपने कहीं नहीं सुना कि अर्जुन के लिए क्या संबोधन यूज किया गया, प्रियमाणाय। मेरे मन में तो सिर्फ एक बात है, क्या है? हित काम्या, मैं किससे बात करना चाहूं? हित की कामना से, और कुछ नहीं मेरा उद्देश्य। रसिक व्यक्ति हो आप और आपको अब पीने का स्वाद आ गया, मैंने नौ अध्याय तक सुनाया, अब मैं तुमको सुनाता हूं। और यही चीज अर्जुन ने देखो कहीं कहा होगा, स्वाद देखो अर्जुन को कैसा लगा है, ये स्वाद है। 18वां श्लोक भूय, 18वां श्लोक देखिएगा, इसी का हो गया 17 श्लोक आपके, अब 18वें पे आइए तुरंत, मिल गया। भूय कथय, ओहो आप अर्जुन के शब्द देखो कितने सुने, दोबारा कहिए ना, कौन दोबारा सुनना चाहता है? साइकोलॉजी पकड़ो आप, कौन दोबारा सुनना पसंद करेगा? रसिक होगा वही सुनेगा। देखो अगर आप कर्तव्य से सुन रहे हैं तो हो गया, बोले क्लास खत्म हो गई, डर के कारण आदमी सुने, हो गया, बोले काम पूरा हो गया, एक घंटा था मैं। जो रसिक व्यक्ति है वो उसी चीज को क्या करेगा, बार बार सुनता है, क्योंकि उसको क्या लग गया है, रस। ये क्या बोलते हैं, भूय, भूय मतलब दोबारा, कथय, कथय मतलब कहिए ना, क्यों? तृप्ति ही, आहा मुझे आपके कहने से अब क्या मिलती है, तृप्ति मिलती है। तृप्ति उद्देश्य उपदेश से मिले ये साधक की ऊंचाई है, तृप्ति करने से ना मिले, तृप्ति सिर्फ सुनने से मिले, ये आध्यात्मिक ऊंचाई है। देखो भूय कथय तृप्ति ही सुनवतो, अमृत है भगवान जो आप बोल रहे हैं, आप तो इसको क्या करते रहिए, सुनाते रहिए। ये कहाँ बोला इसने, 18वें श्लोक में बोला है आके। अब कल से इसी के आगे से लेते हैं, अध्याय एक से, अध्याय श्लोक नंबर एक से। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।